सो योर वेट इज ओवर नाउ स्टूडेंट्स, और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सीएमए इंटरमीडिएट के लिए कस्टम की मैराथन रिवीजन वीडियो। यस यू हर्ड इट राइट, सीएमए इंटरमीडिएट कस्टम मैराथन रिवीजन इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। कैसे करेंगे? तो चैप्टर वाइज करेंगे इसको हम। अब बात आती है ये कौन से वाले सिलेबस के लिए एप्लीकेबल है। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द सिलेबस, दैट इज फॉर द सिलेबस 2016 एज वेल एज फॉर द सिलेबस 2022, क्योंकि दोनों सिलेबस में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। कस्टम में जीएसटी में डिफरेंस है, कस्टम में नहीं है। और साथ ही साथ स्टूडेंट फिर भी जो भी 2016 के एडिशनल टॉपिक्स हैं जो 2022 वाले सिलेबस में नहीं आ रहे, वो मैं आपको साथ साथ में बताती भी रहूंगी, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड आई एम वेरी मच श्योर अगर आप ये रिविजन वीडियो कर लोगे तो आपको कहीं से भी कस्टम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले ध्यान से एक बार अगर बैठ रहे हो तो पूरा वो चैप्टर रिवाइज कर कर ही उठना कि आपको पता हो कि हाँ भाई मेरा चैप्टर वन कंप्लीट हो गया। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर वन से, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कस्टम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर वन विच इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कस्टम। सबसे पहले बात आती है कस्टम होता क्या है। तो देखिए कस्टम जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब हमारे पास दो टाइप के टैक्सेस आते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या पढ़ाया था मैंने क्लास में आपको, इनकम टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी एंड कस्टम। अब स्टूडेंट्स जो हमारा कस्टम है वो किस पर लगता है, तो इट विल लेवी ऑन द इम्पोस्ट ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स या फिर एक्सपोर्टेड गुड्स। जो जब भी हम इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करवाते हैं, इम्पोर्ट मतलब हमने बाहर इंटरनेशनल मार्केट से इंडिया में कुछ परचेज किया, और एक्सपोर्ट मतलब हमने हमारी मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट पे कुछ सेल किया, मतलब इंडिया के बाहर सामान भेजा। ठीक है, अब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जय हिंद जय भारत, वहां पर हमारी कस्टम ड्यूटी के बारे में कौन सी लिस्ट में लिखा हुआ है। हमने स्टूडेंट शेड्यूल 7 में तीन लिस्ट की थी, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये तो यूनियन मैटर है, मतलब पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे जो भी रूल्स बनाएगी, तो इसी वजह से स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट नंबर 1 में। लिस्ट नंबर 1 मतलब यूनियन लिस्ट के अंडर। ठीक है, यूनियन लिस्ट में इसकी एंट्री नंबर क्या है ध्यान से याद कर लो भी क्लास में ही, एंट्री नंबर 83, एंट्री नंबर 83। ठीक है स्टूडेंट, सो अकॉर्डिंगली जो है कस्टम, अब इसी अकॉर्डिंगली इसका मतलब कौन सा एंट्री नंबर इस पे इम्पोज होता है, एंट्री नंबर 83 में कस्टम ड्यूटी के बारे में लिखा हुआ है। आज एक रिविजन सेशन, सो आई होप मैं स्पीड थोड़ी फास्ट रख रही हूँ, आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, जिससे कि जो कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर हो सके। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि कस्टम्स एक्ट 1962, हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर हम दो एक्ट पढ़ेंगे, कस्टम्स एक्ट 1962 एंड द कस्टम्स एक्ट 1975। कस्टम्स एक्ट 1962 कब से इफेक्टिव हुआ था, तो इट इफेक्ट्स फ्रॉम 1 फरवरी 1963। यस, ये कब आया था, 1 फरवरी 1963 में। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में ना हमने टैरिफ रेट्स जितने भी हैं, यानी जो उसके रेट्स हैं, वो सब इस एक्ट में लिखे हैं। अदरवाइज इस एक्ट में सिर्फ और सिर्फ टैरिफ के बारे में, रेट्स के बारे में और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट रेट्स को दो स्केड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, एक होता है फर्स्ट स्केड्यूल और एक है हमारे पास सेकंड स्केड्यूल। फर्स्ट स्केड्यूल में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट स्केड्यूल में हमारे पास इम्पोर्टेड आइटम्स के बारे में लिखा हुआ है कि जब आप इम्पोर्ट करवाओगे तो रेट्स किस बेसिस पे लगेंगे, और सेकंड स्केड्यूल में लिखा हुआ है स्टूडेंट जिन पर की एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगती है। तो फर्स्ट में इम्पोर्ट के बारे में, सेकंड में एक्सपोर्ट ड्यूटीज के बारे में। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ये जो हमारी ड्यूटीज होती है कौन से बेसिस पे लगती है, तो ये एडवॉलरम बेसिस पे लगती है। एडवॉलरम का मतलब होता है वैल्यू की बेसिस पे, विद रेफरेंस टू वैल्यू की, वैल्यू इतनी है तो 10% लगेगी, ये है तो ये वैल्यू लगेगी। क्लियर, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमारे पास कस्टम लॉ के सोर्सेस क्या है। तो स्टूडेंट हमारे पास कस्टम लॉ के कितने सोर्सेस हैं, तीन सोर्सेस हैं। सोर्सेस का मतलब कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन दी है, आयुषी बंसल क्लासेस से, अरे हाँ वहां से तो ली है, लेकिन बात है हमने भी कहाँ से ली है। ठीक है, तो कस्टम लॉ के तीन सोर्सेस क्या है। कस्टम्स एक्ट 1962, द वेरी फर्स्ट सोर्स इज कस्टम्स एक्ट 1962, सेकंड इज कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975, एंड द थर्ड इज रूल्स एंड रेगुलेशन। नाउ स्टूडेंट्स इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू गेट दीज नोट्स, तो यस ये नोट्स जो है अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस पर इनका ई मॉड्यूल अवेलेबल है, यानी कि आपके पास इनकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है ऐप पर, आप डाउनलोड कर सकते हो लिंक से, तो आप फटाफट से ऐप डाउनलोड कर लो और ये नोट्स भी आप ले सकते हो। अदरवाइज जिस भी बुक से कर रहे हो वो बुक रेफर कर लो, दैट विल बी इनफ। नाउ फर्स्ट आया कस्टम्स एक्ट 1962, इसमें स्टूडेंट्स वो सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं जो कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, नॉट द सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज यहाँ नहीं आती कस्टम में, गुड्स आते हैं, याद है ना सबको। ये
नेक्स्ट आता है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। अब स्टूडेंट इसमें टैरिफ मतलब होता है रेट, तो जो भी रेट लगना है वहां पर कस्टम ड्यूटी का जो रेट है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगेगा वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड आता है सोर्स हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब देखो बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन है हमारे पास जो कि इसलिए कस्टम के लिए इशू करे हैं। उसमें से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैंने आपको पढ़वाए वो कौन से हैं स्टूडेंट्स, एक्सपोर्ट के केस में हमने पढ़ा था कस्टम वैल्यूएशन रूल्स 2007, दैट इज द कस्टम वैल्यूएशन डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स रूल्स 2007। देन सेम इम्पोर्ट के लिए पढ़ा था सेम रूल कस्टम वैल्यूएशन बट ब्रैकेट डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट गुड्स, ठीक है, दैट इज द इम्पोर्टेड गुड्स। फिर स्टूडेंट्स हमने बैगेज रूल्स के बारे में पढ़ा है, फिर हमने पढ़ा है अगर आपको इम्पोर्टेड गुड्स को री एक्सपोर्ट करना है, आपने पहले मंगवाया वापस भेजना है, उसके लिए कुछ ड्रॉबैक रूल्स आते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में लिखना आता है पेपर में, आप कोई तीन भी लिख दोगे सो मोर देन एनफ। आई विल सजेस्ट यू कौन कौन से लिख दो, कस्टम वैल्यूएशन के दोनों पार्ट्स लिख दो क्योंकि इजी रहता है, एक में इम्पोर्ट आ गया एक में एक्सपोर्ट आ गया। देन बैगेज रूल्स लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी, कि कस्टम ड्यूटी कहाँ कहाँ पर लेवी होती है यानी कहाँ कहाँ पर इम्पोज की जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारा जो कस्टम्स एक्ट 1962 है, 75 नहीं स्टूडेंट्स, 1975 सिर्फ रेट्स बता रहे, तो जिस पर 62 लगेगा उस पर 75 अपने रेट्स लगाएगा और कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो कस्टम्स एक्ट 1962 जो है ये कंप्लीट इंडिया पे लगता है, दैट इज इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, हमारे पूरे इंडिया पे लगता है, कोई स्टेट कोई यूनियन टेरिटरी कोई सिटी ऐसी नहीं है जहां पर ये एप्लीकेबल ना हो। नेक्स्ट बात आती है इंडिया में क्या सिर्फ सिटी स्टेट्स इंक्लूड होंगी या और भी कुछ इंक्लूड होगा, डेफिनेटली और भी कुछ इंक्लूड होगा, आइए समझते हैं। स्टूडेंट्स एक बार नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, मैं आपको वहां से समझाती हूँ कि इंडिया में क्या क्या यहाँ पर इंक्लूड होने वाला है। देखो इंडिया में ना उसके टेरिटोरियल वाटर्स इंक्लूड है, टेरिटोरियल वाटर्स में क्या क्या इंक्लूड है, ये है इंडिया की जो लोएस्ट लाइन है दैट इज द बेस लाइन, ठीक है। अब बेस लाइन से स्टूडेंट्स 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर्स रहते हैं वो इंक्लूड है, 24 नॉटिकल माइल्स तक कॉन्टिजियस जोन है यानी बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स कॉन्टिजियस जोन होता है ये भी इंक्लूड है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ पर इंक्लूड है, यस, मतलब 200 नॉटिकल माइल्स तक का ये भी इंक्लूड है। फिर आता है हाई सीज, हाई सीज क्या होता है इसके बाद वाला, क्लियर। तो स्टूडेंट कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये सब यहाँ पर इसमें इंक्लूड आएंगे, तो इंडिया में सब कुछ इंक्लूड होगा, क्लियर है आपको, कहीं भी कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी आउट, ओके। सो इट मीन स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो देखिए 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर्स हैं, 24 नॉटिकल माइल्स तक दिस वन इज कॉन्टिजियस जोन है, 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो यहां तक का जितना भी एरिया है क्योंकि उसके बाद हाई सी स्टार्ट हो रहा है, जितना भी एरिया है वो सब हमारे इंडिया में इंक्लूड होगा, सो ऑल दिस विल बी इंक्लूडेड इन इंडिया, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है मैम इसके ऊपर की हवा इंक्लूड है, हाँ जी स्टूडेंट, सो एयर स्पेस अबव दिस टेरिटरी विल ऑल्सो इंक्लूड, सी सॉइल है, सब सॉइल है, सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड होगा, ठीक है। मैंने सारी की सारी बातें यहाँ पर आपके लिए लिख दी है कि क्या क्या इसमें इंक्लूड होने वाला है, ठीक है। तो इंडिया की ना एक्चुअली अपनी सॉवरेनिटी है अपने टेरिटोरियल वाटर पे, तो जो भी वहां कुछ काम कर रहा है वहां पर उसको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। सो पर्सन कांट डू कि चलो यार नीचे जाकर ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ में काम कर लेते हैं, कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी क्योंकि ये हमारे इंडिया का पार्ट है, ओके। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास बात आती है इंडियन कस्टम वाटर, हमने ये कर लिया है, अब आ जाइए चार्जेबिलिटी पर, चार्जेबिलिटी दैट इज द सेक्शन नंबर 12। आपको पता है मैं कभी भी आपको डीटी आईडीटी कहीं नहीं बोलती, ऑडिट में भी नहीं कहती कि लर्न ईच एंड एवरी सेक्शन नंबर बिकॉज आई नो यार दैट इज नॉट पॉसिबल, बट हाँ जो पता है पेपर में आएगा ही आएगा वो तो याद करोगे या वो भी याद नहीं करोगे, नहीं नहीं मैम वो तो याद करेंगे। तो ऐसा ही है हमारा सेक्शन नंबर 12, क्या है सेक्शन नंबर 12। तो स्टूडेंट सेक्शन नंबर 12 हमें बताता है चार्जेबिलिटी ऑफ कस्टम एक्ट, ठीक है। देखिए तो ड्यूटीज ऑफ कस्टम शैल बी लेविड एट द रेट जो कि हमारे दिए हुए कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 या किसी भी लॉ में। सेक्शन नंबर 12 किसका है, सेक्शन नंबर 12 है कस्टम्स एक्ट 1962 का, ठीक है। इससे बताया कि देखो जो जो इसके रेट्स है ना, मतलब ड्यूटी है लगेगी किस रेट से, ये सब दी हुई है कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 में या फिर जो भी लॉ उस टाइम पे जो भी इन्फोर्स होगा, ओके। अब बात आती है इसके टैक्स पॉइंट की, तो ड्यूटी जो है वो लगेगी किस पे, तो स्टूडेंट ड्यूटी पहली बात तो गुड्स पे लगती है, वो जो पर्सन आ रहा है या जा रहा है उस पर नहीं लगती, ध्यान रखना। ये नहीं कि जो जेम्स आया बस इंडिया में आया था, अरे तुम इंडिया में कैसे कस्टम ड्यूटी पे करो, नहीं, जेम्स इज नॉट अ गुड्स ना, ही इज अ पर्सन, तो ये किस पे लगेगी, जस्ट ऑन गुड्स नॉट ऑन पर्सन। सेकेंड स्टूडेंट्स हमारे पास बात आती है
गुड्स जो है गुड्स शेल बी, कौन से गुड्स होने चाहिए जो इंडिया से, इंडिया में इम्पोर्ट हुए हैं या इंडिया से एक्सपोर्ट हुए हैं, ड्यूटी कौन से रेट्स पे लगेगी, जो भी रेट्स मेंशन है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में. ओके फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट इज गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होगा. एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे जीएसटी है, चाहे कस्टम है, सबके रिस्पेक्टिव एक्ट में सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन दी हुई है. तो ये तो हो गया सेक्शन 2 को याद करने का तरीका. ठीक है, अब सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 22 ने बोला कि गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होगा. कोई भी वेसल है, एयरक्राफ्ट है, व्हीकल है, सब इंक्लूड होंगे. हाँ जी, तो कोई वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल आ रहा है उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी. स्टोर्स आ रहे, स्टोर्स का मतलब क्या होता है, वेसल्स के लिए आपने सेपरेटली फ्यूल रख रखा था कि काम आया तो आ जाएगा रास्ते में, तो यस उसको भी गुड्स मानेंगे. कोई बैगेज है, एक्स्ट्रा आप सामान लेकर आ रहे हो, उस पर भी लगेगा. करेंसी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, या किसी भी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी है. इमूवेबल पे क्यों नहीं, अच्छा मतलब यू आर सेइंग कि आप यूके से एक बिल्डिंग उठा के इंडिया में लेकर आओगे, नॉट पॉसिबल ना. तो मूवेबल पे लगती है, इमूवेबल पे नहीं. क्लियर. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है. जब हम इंडिया में बाहर से कुछ सामान लाते हैं, इम्पोर्टेड गुड्स का मतलब होता है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसको मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट. इम्पोर्टेड गुड्स मीन्स एनी गुड्स ब्रॉट इन टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, बट इट डज नॉट इंक्लूड गुड्स विच हैव बीन क्लियर फॉर होम कंजम्पशन. इसका क्या मतलब हुआ, देखो स्टूडेंट्स, जब भी बाहर से कुछ सामान इंडिया में आता है ना, तो उसके लिए या तो वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर होता है. होम कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस मतलब पोर्ट पर ऑफिसर खड़ा था, इम्पोर्टर ने कहा जी मैं इस सामान को ले जाऊं, क्या मुझे डोमेस्टिक मार्केट में सेल करना है, ड्यूटी पे करी काम खत्म, या वेयर हाउसिंग के लिए लेकर जा रहा है. स्टूडेंट, जो सामान होम कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस हो गया, मैंने बोला उसने ड्यूटी पे कर दी. अब जब ड्यूटी पे कर दी ना, इट मीन्स दैट द गुड्स उस पर कोई अब इम्पोर्ट ड्यूटी उसकी रह नहीं गई है, तो उसको हम इम्पोर्टेड गुड्स नहीं कह सकते. क्लियर. इम्पोर्टेड गुड्स वो गुड्स होते हैं, सुनने में अजीब लगा, मतलब मैम वो जो ड्यूटी पे होने के बाद मेरे पास परफ्यूम आया वो इम्पोर्टेड नहीं है. नहीं स्टूडेंट्स, उसको हम इम्पोर्टेड बोलते हैं, लेकिन होता नहीं है. इम्पोर्टेड में वो गुड्स इंक्लूड होते ही नहीं है विच हैव ऑलरेडी बीन क्लियर फॉर द होम कंजम्पशन. ठीक है, वेयर हाउस में गए हैं तो यस, बिकॉज अभी तक ड्यूटी पे नहीं हुई है, सिर्फ बॉन्ड्स बने हैं. नेक्स्ट आता है ड्यूटीएबल गुड्स. ड्यूटीएबल गुड्स का मतलब होता है जिन पर ड्यूटी लगनी है लेकिन अभी पे नहीं करी. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, इम्पोर्टेड इन रिलेशन टू एनी गुड्स एट एनी टाइम बिटवीन देयर इम्पोर्टेशन एंड द टाइम व्हेन दे आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन इंक्लूड्स एनी पर्सन, वो क्या करेगा स्टूडेंट. अब वो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, उसने कहा जो इम्पोर्टर होता है किसी भी टाइम जब उसने इम्पोर्टेशन करवाया लेकिन अभी तक होम कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस नहीं हुआ, उसको हम वहां पे बोल रहे हैं कि देखो, अब अगर वो पर्सन चाह रहा है कि भाई मैं अपना जो है किसी, मैं इम्पोर्टर नहीं बनना चाहता, आई एम आउट ऑफ द लीग, मतलब किसी और को यहाँ पे मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो ये स्टूडेंट द पर्सन कैन डू इट. और इन दैट केस अगर वो सामान वेयर हाउस में गया था, तो जिस भी पर्सन ने उसको वेयर हाउस से निकलवाया है ना, although he is not the actual importer, but अब उसने वहां से निकलवाया है तो उसको हम deemed importer, यानी उसी को importer मानेंगे. क्लियर. चलिए, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम गुड्स को इंडिया के बाहर लेकर जाते हैं. नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट गुड्स का मतलब, वो गुड्स जो कि इंडिया के बाहर लेके गए, बस और कुछ नहीं है, ड्यूटी पे करी नहीं करी कुछ नहीं, बस इतना. ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब एक्सपोर्टर का मतलब क्या होगा, ऑनर, या जैसे इम्पोर्टर के केस में क्या था, इम्पोर्टर में ऑनर भी हो सकता है, या फिर स्टूडेंट्स वो पर्सन भी जो कि सामान एक्चुअल में निकलवा रहा है. ठीक है, मतलब जिसको इम्पोर्टर ने कहा तुम इम्पोर्टर. ओके, सिमिलरली एक्सपोर्टर में एक्सपोर्टर भी हो सकता है, यानी ऑनर भी हो सकता है गुड्स का, या फिर एनी पर्सन जो अपने आप को एक्सपोर्टर बना रहा है वो भी यहाँ पर हो सकता है. सेम है इम्पोर्टर के जैसा, बस इम्पोर्टर की जगह एक्सपोर्टर लिख दे और कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है. नेक्स्ट, प्रोविजन जो है स्टूडेंट्स वो उन गुड्स पे भी लगेगा जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, लेकिन हाँ ध्यान से मेरी बात सुनो, जो इम्पोर्ट करवाए इंडियन नेवी के लिए, या फिर कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स आए हमारे पुलिस के लिए, डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, कोस्टल गार्ड्स के लिए, ठीक है, उन पे ड्यूटी नहीं लगती. भाई वो हमारी सिक्योरिटी के लिए गुड्स मंगवा रहे हैं, उन पे ड्यूटी नहीं लगेगी, एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन निकाल दी जाती है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है, मान लिया इम्पोर्ट के केस में टैक्स लगना है, लेकिन व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट इन द केस ऑफ इम्पोर्ट. सो स्टूडेंट, मतलब वो कौन सा टाइम होगा, वो कौन सा समय होगा जब हम ये मानेंगे जी अब इस पर टैक्स लगेगा. यूके से सामान चला था, टैक्स कब लगना है इंडिया में, तो स्टूडेंट उसको हम कहते हैं टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ इम्पोर्ट. ठीक है, सो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स विल कमेंस व्हेन दे क्रॉस द टेरिटोरियल वाटर्स. ये मान लो हमारे टेरिटोरियल वाटर्स हैं. ओके, अब जैसे ही स्टूडेंट्स यहां पर ये क्रॉस हुए, इम्पोर्ट स्टार्ट हो गया कि हमारे इंडिया में गुड्स आ रहे हैं. ठीक है,
लेकिन स्टूडेंट्स इम्पोर्ट खत्म तब होता है व्हेन दे बिकम पार्ट ऑफ द गुड्स विद इन द कंट्री, एंड इन दैट केस हम कहते हैं कि ये हमारा टैक्सेबल इवेंट है. ठीक है, मतलब टैक्सेबल इवेंट वो होता है जब इंडिया में गुड्स आए, अब वो या तो होम कंजम्पशन के लिए जा रहे हैं. ओके स्टूडेंट, अब बात आती है या वो वेयर हाउसिंग के लिए जा रहे हैं. मतलब यहाँ पर दो पॉइंट अराइज हो सकते हैं, एक तो जब होम कंजम्पशन के लिए जा रहे हैं, सेकेंड वेयर हाउसिंग के लिए. आइए एक करके पढ़ाते हैं. इन द केस ऑफ गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्पशन स्टूडेंट, ठीक है, टैक्सेबल इवेंट तब आता है जब जो गुड्स है वो कस्टम बैरियर पे पहुंच जाते हैं, यानी जहां पर आके कहूं तो टोल नाके पहुंच गए, ठीक है, कस्टम बैरियर पे पहुंच गए, उसके बाद उनके लिए एक बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है. जब भी आपको गुड्स को होम कंजम्पशन का पार्ट बनाना है, क्लियरेंस करवानी है, डोमेस्टिक मार्केट में लेके जाना है, तो आपको उससे पहले एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है कि देखो जी मैंने ये गुड्स मंगवाए. वेयर हाउसिंग के केस में स्टूडेंट, अगर आपने वेयर हाउसिंग करवानी है गुड्स की, तो आपको वहां पे एक कस्टम बॉन्ड बनाना पड़ता है, उसको कहते हैं हम इनटू बॉन्ड. ठीक है, तो वेयर हाउस के केस में भी स्टूडेंट हम एक्चुअल इम्पोर्ट तब मानेंगे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ बॉन्ड बना, ड्यूटी पे ही नहीं हुई. हम तब मानेंगे जब गुड्स को आप क्लियर करवाओगे होम कंजम्पशन के लिए, तो इसको भी मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? ओके, जब होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कराओगे, दैट विल बी द टैक्सेबल इवेंट. नाउ व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट? तो स्टूडेंट जब भी वो हमारे टेरिटोरियल वाटर्स को जो है क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब जब हमारे वाले टेरिटोरियल वाटर हम वो चला गया वहां से, तब कहेंगे हम कि हाँ भाई एक्सपोर्ट हो रहा है. इसका मतलब मान लो हमारे ही टेरिटोरियल वाटर में गुड्स डूब गए, सिंक हो गए, तो फिर वो एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो अभी भी इंडिया में ही है. ओके स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ये ऑब्जेक्टिव है इज टू टैक्स ओनली दोज गुड्स विच गेट्स मिक्स्ड अप विद द मास ऑफ गुड्स इन इंडिया. मतलब हमें सिर्फ उन गुड्स पे टैक्स लगाना है जो अब हमारी डोमेस्टिक मार्केट का पार्ट बन रहे हैं, हमारे वाले गुड्स का पार्ट बन रहे हैं. वेयर हाउस में आपने गुड्स रख रखे हैं अलग से, वो पार्ट नहीं है. वेयर हाउस अपना नहीं होता, वही कस्टम पे होता है. ठीक है, नेक्स्ट होता है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आई होप सबको रिमाइंड हो रहा होगा. नेक्स्ट इज, अच्छा स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कैसे लग रही है मैराथन रिविजन, और साथ की साथ प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो, एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, नेक्स्ट, इंपोर्ट ड्यूटी का रेट किस में लिखा हुआ है? कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के फर्स्ट शेड्यूल में, एक्सपोर्ट ड्यूटी का सेकंड शेड्यूल. क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, उन डेफिनेशन को एक बार आपने पढ़ना जरूर है, यहाँ पर उनको आपको जस्ट एक गो थ्रू कर लेना, कहीं कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. ठीक है, दीज आर ओनली द डेफिनेशन जो बहुत अच्छे से हम कर भी चुके हैं, तो मैम दोबारा ना करें, नहीं एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, क्योंकि आपको आगे इसमें हेल्प जरूर होगी फिर. ओके स्टूडेंट्स, एक डेफिनेशन मैं आपको करवा रही हूँ विच इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में आ चुकी है, जो है ट्रांजिट ऑफ गुड्स एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स. इसका सेक्शन नंबर याद करना है, हाँ जी, क्योंकि पेपर में कई बार सिर्फ ये आ जाता है लिखना, राइट अबाउट द सेक्शन 53 एंड सेक्शन 54. पता ही नहीं सेक्शन नंबर कौन सा है, क्या ही लिखोगे. ठीक है, तो सेक्शन 53 है ट्रांजिट ऑफ गुड्स के लिए और सेक्शन 54 है ट्रांसशिपमेंट के लिए. दोनों सेम लग रहे हैं क्या? नहीं, अंतर है. सेक्शन 53 ट्रांजिट के लिए है, सेक्शन 54 ट्रांसशिपमेंट के लिए है. आइए स्टूडेंट्स आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ. देखिए ये ना एक यूएसए से शिप चली जिसमें ए बी सी डी चार तरीके के गुड्स थे, ये मुंबई में आ गई. ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी गुड्स को उसने अनलोड कर दिया. ओके, इससे स्टूडेंट्स क्या हुआ, उसने ए बी सी को जब अनलोड किया है, ए वहीं पे अनलोड होके रह गए, सी को उसने श्रीलंका पोर्ट में भेज दिया, उत्तारा दूसरे वेसल से भेज दिया. ठीक है, और स्टूडेंट्स बी को चेन्नई पोर्ट पे भेज दिया. मेरी बात सुनो, जब आप अनलोड करके गुड्स को कहीं भेज रहे हो, अनलोड करके दूसरी शिप में बिठा के गुड्स कहीं जा रहे हैं, तो उनको कहते हैं ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स. एक तरीके से शिप भी चेंज हो गई. ठीक है, तो बी और सी जो है वो ट्रांसशिप हुए. ए का क्या हुआ, ए वहीं पर है, उनका कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं गए. लेकिन जो डी गुड्स थे वो अभी भी इसी शिप पे हैं, यहाँ शिप रुकी थी वो उतरे नहीं, और फिर वो गए जापान में. तो स्टूडेंट जो गुड्स हमारे बिना अनलोड हुए डायरेक्ट अपने स्टेशन पे गए हैं, वो होते हैं ट्रांजिट गुड्स. ठीक है, तो ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट में मतलब समझ आया, अंतर समझ आया. ट्रांसशिपमेंट ऐसे याद रखना, शिप की भी ट्रांसफर. ओके, ट्रांसशिपमेंट तो शिप की भी ट्रांसफर. ओके, अब चाहे वो किसी इंडियन पोर्ट पे जा रहे हो, इंडियन कोस्टल पोर्ट पे है, या कहीं भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देखिए, वेयर एनी गुड्स ट्रांसिट ऑफ गुड्स सेक्शन 53, वेयर एनी गुड्स इम्पोर्टेड इन अ कन्वेंस इन मेंशन इन द अराइवल मैनिफेस्ट और इम्पोर्ट मैनिफेस्ट और द इम्पोर्ट रिपोर्ट. जब भी आप कुछ इम्पोर्ट करवाते हो तो अराइवल मैनिफेस्ट, इम्पोर्ट मैनिफेस्ट और इम्पोर्ट रिपोर्ट देनी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द व्हीकल. तो इन दैट केस स्टूडेंट्स एज पर कि भाई हम यहाँ पर जो है इंडिया में सामान ला रहे हैं प्रॉपर ऑफिसर को,
अब स्टूडेंट्स आपने विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी उनको आगे ले गए हो, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी मतलब आपने उनको अनलोड नहीं करा, गुड्स वैसे के वैसे थे, अगले पोर्ट पे चले गए, तो उसका मतलब होता है ट्रांजिट ऑफ गुड्स। ठीक है, जब गुड्स जो है दे आर इंटेंडेड फॉर ट्रांसशिपमेंट, तो उनके केस में आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब कहीं अब अनलोड करके कहीं भेजना है तो आपको एक बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को कि देखो हम उतार के दूसरी जगह पे भेज रहे हैं, हम इसको डोमेस्टिक मार्केट में नहीं लेके जा रहे, आगे लेके जा रहे हैं, तो बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट जो है उसको प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 19। अभी तक के सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि सिलेबस 2016 में भी इक्वली एप्लीकेबल है और सिलेबस 2022 में भी। यस स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी वेयर गुड्स कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लायबल टू डिफरेंट रेट। अब बात आती है सेक्शन नंबर 19 की, तो देखो सेक्शन 19 ने बोला हमें कि वहां पर हम किस तरीके से ड्यूटी लगाएंगे जहां पर स्टूडेंट गुड्स में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन पर डिफरेंट डिफरेंट रेट्स लगते हैं। तो देखो अगर पहली बात तो आर्टिकल्स विच आर लायबल टू ड्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, यानी कि ऐसे गुड्स स्टूडेंट्स मान लो ये हुआ क्या, मतलब जैसे कंपोजिट मिक्स सप्लाई पड़ा था वो वाला, दैट इज अ सेट ऑफ आर्टिकल। अब उस आर्टिकल्स के सेट में इतने सारे गुड्स हैं कि सब पर ना अलग अलग ड्यूटी लग रही है, तो हम वो ड्यूटी लगाएं कैसे, अलग अलग आइटम बेसिस पे लगाएं या कैसे? तो अगर तो आर्टिकल्स पे इस तरीके से ड्यूटी लगती है कि उनकी क्वांटिटी के बेसिस पे लगेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है स्टूडेंट। तो फिर आप जैसे जैसे जितनी जिसकी क्वांटिटी है आप वहां पर उसको ड्यूटी लगा दीजिए। अगर वैल्यू के बेसिस पर है तो पहली बात है क्वांटिटी मतलब मान लो उसके केजी के बेसिस पर या टन्स के बेसिस पर, अगर इस बेसिस पे ड्यूटी लगनी है ठीक है तो आप टैक्स वैसे लगेगा कस्टम ड्यूटी। वैल्यू है यानी 1,00,000 रुपीज पर लगनी है ड्यूटी तो कैसे लगेगी, अगर वहां पर उस सेट ऑफ आर्टिकल्स में उस गुड्स में सबकी सेम रेट है तो आप एक ही रेट से लगा दीजिए। अगर वो डिफरेंट रेट्स हैं स्टूडेंट तो जो भी उनमें हाईएस्ट ऑफ सच रेट है, जैसे हमने मिक्स सप्लाई में पढ़ा था ना वैसे ही हाईएस्ट ऑफ सच रेट है उतना रेट यहाँ पर लगेगा। अब उन आर्टिकल्स का क्या होगा जिन पर ड्यूटी लगेगी ही नहीं, तो स्टूडेंट सच आर्टिकल्स शेल बी चार्जेबल ऑन द बेसिस मेंशन्ड इन टू अबव, मतलब जिन पर ड्यूटी लगेगी नहीं और वो बहुत सारे सेट ऑफ आर्टिकल्स में आ रहे हैं तो अगर तो उनके केस में स्टूडेंट जो हाईएस्ट रेट जा रहा होगा वहां पर वो ड्यूटी लग जाएगी। क्लियर, मतलब जैसे सेकंड में अभी मैंने आपको बताया। आप कुछ अदर पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इसने कहा मान लो हमने कुछ एक्सेसरीज और स्पेयर पार्ट्स भेजे हुए हैं विच आर फॉर द मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग इम्प्लीमेंट्स वगैरह कुछ भेजे हैं ठीक है किसी भी आर्टिकल के लिए, तो फिर वहां पे ड्यूटी क्या लगेगी? मैंने अभी कहा ना स्टूडेंट्स अब ये वो कंपोजिट मिक्स सप्लाई वाली बात आ गई, तो क्या मैं इसको पेपर में नहीं लिखना सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई पार्ट ऑफ द जीएसटी ठीक है सेक्शन 8। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करें सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, जैसे उसमें था कंपोजिट सप्लाई ऑर्डिनरी कोर्स है ठीक है, तो जो प्रिंसिपल सप्लाई है आप उसका रेट लगा दो, यानी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वो मशीन का रेट है वही उन रिपेयरिंग इम्प्लीमेंट्स पे उसके साथ में एक्सेसरीज पे भी वही लगेगा, डेट इज 30% ठीक है। अब मान लीजिए जो इम्पोर्टर है वो एविडेंस प्रोड्यूस कर देता है टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर कि देखो मेरी ये जो आर्टिकल्स है ना इन पे एक्चुअल में डिफरेंट डिफरेंट रेट्स ऑफ ड्यूटी लगता है, मतलब स्टूडेंट्स वीकेंड से उसने कोई घपलेबाजी नहीं करी तो हाईएस्ट रेट मत लगा, इन दैट केस अलग अलग रेट्स ही लगाएंगे, तो जिस पर रेट लगता नहीं होगा उस पर रेट लगेगा भी नहीं, इसीलिए हमेशा एविडेंसेस संभाल के रखो ठीक है। एविडेंस नहीं था तो हाईएस्ट रेट लगता था। ये था सेक्शन नंबर 19। अब ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं मैम कस्टम ड्यूटी में आप सेक्शन नंबर कैसे याद करवाते हो, मेरे फ्रेंड ने कहा उसको याद है मैंने नहीं करे हुए, अभी बताती हूँ। सीक्वेंस वाइज चलो, सेक्शन 19 पढ़ा सेक्शन 20 पढ़ो, उसके बाद ना बच्चे प्लीज सेक्शन 19 के बाद सेक्शन 25 पे मत जाया करो, सीक्वेंस वाइज चला करो। तो सेक्शन 20 इज फॉर द री इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स, यानी ये क्या है आपने गुड्स स्टूडेंट्स एक बार एक्सपोर्ट कर दिए ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेज दिए, अब उनको रिपेयरिंग की जरूरत है या कुछ भी है जिसकी वजह से वो गुड्स जो है वो इंडिया में वापस आ रहे हैं री इम्पोर्ट हो रहे हैं, तो उसके केस में कैसे ड्यूटी लगेगी? तो इफ गुड्स आर इम्पोर्टेड इन टू इंडिया आफ्टर एक्सपोर्टेशन देयर फ्रॉम इट मीन दे आर द री केस ऑफ द री इम्पोर्टेशन, तो सच गुड्स शेल बी लायबल टू ड्यूटी एंड बी सब्जेक्ट टू ऑल द कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन इफ एनी टू विच गुड्स ऑफ द लाइक काइंड एंड वैल्यू आर लायबल टू सब्जेक्ट। ये क्या है, तो उसने कहा उनके जैसे और गुड्स पर जितनी भी ड्यूटी लगती है उसी बेसिस पर आप इन गुड्स पे भी ड्यूटी लगाओगे। क्लियर, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 21। अब सेक्शन नंबर 21 क्या है, सेक्शन 21 इज फॉर द ड्यूटी उन गुड्स पे जो कि डेरिलिक्ट रेक जेटसम एंड फ्लोटसम हो चुके हैं। अब आप सोचोगे मैम ये री इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स में ना जो बच्चे सिलेबस 2016 का पढ़ रहे हैं, मैम हमारे में ना ये और भी पार्ट्स हैं, डोंट वरी एट ऑल, वो वाले जो पार्ट्स हैं वो सिर्फ सिलेबस 2016 में है तो वो हम एंड में इसी सेशन में कर लेंगे, डोंट वरी ठीक है। अभी मैंने एक बेसिक बता दिया आपको,
अब ये डेरेलिक्ट रेक जेटसम फ्लोटसम का मतलब क्या है? डेरेलिक्ट का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जो कि सी में अबंडन हो गई, डूब गई और उसकी कोई होप नहीं है रिकवरी की। रेक का मतलब होता है स्टूडेंट कि कोई शिप रेक हो गई, मतलब शिप कहीं पे टकरा गई, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, शिप की जो प्रॉपर्टी, शिप पे जितना सामान था वो भी भर गया, ठीक है। जेटसम, जेटसम का मतलब होता है कि अगर आप कभी ये लगता है पर्सन को जो कि शिप चला रहा है कि देखो मुझे मेरी शिप का वेट लाइट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है ये शिप ही डूब जाएगी, ठीक है, तो शिप ना डूबे उससे बेटर है सामान ही आप वहां पे जो है गेर देते हो। सो वेयर गुड्स आर कास्ट इनटू द सी, सी में फेंक दिए गुड्स, लेकिन किस लिए, क्योंकि शिप को लाइट करना था, दिया था जेटसम। फ्लोटसम का मतलब होता है गुड्स जो है जब वो सेपरेट हो गए शिप से उसके बाद वो अभी भी सी में तैर रहे हैं, वो डूबे नहीं है, दे आर फ्लोटिंग ऑन द सी। इन सबके केसेस में स्टूडेंट अलग अलग है कि हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट्स नहीं, आइए देखते हैं क्या करते हैं। तो स्टूडेंट जो भी गुड्स डेरेलिक्ट रेक जेटसम फ्लोटसम हुए, ठीक है, और अब वो क्या हो रहा है उनको, हम अगर वो इंडिया में आ रहे हैं तो हम उनको वैसा ही मानेंगे एज देवर इम्पोर्टेड इन टू इंडिया, कि भाई वो इंडिया में आ गए। लेकिन मान लो अब अगर जो इम्पोर्टर है वो प्रॉपर ऑफिसर को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, कि सर एक्चुअली में जो ये गुड्स है ना ये ड्यूटी फ्री थे, इन पे ड्यूटी लगनी नहीं थी, तो हाँ मैंने बोला जैसे पहले इंडिया में आ रहे थे तो उन पे ड्यूटी नहीं लगेगी। ओके स्टूडेंट्स, डेरेलिक्ट रेक जेटसम फ्लोटसम का मतलब जरूर अच्छे से याद से अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, जैसा भी मैंने आपको करवाया है। अब मैं आपको करवाने वाली हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस विच आर कस्टम ड्यूटी जहां पर नहीं लगती, दैट इज कस्टम ड्यूटी नॉट लायबल इन द सर्टेन केसेस। अब ये कौन से केसेस है, तो ये केसेस है चार केसेस। ब्रेक नहीं लेना, पूरी क्लास करनी है, ठीक है ना, तभी बहुत स्पीडली करवा रही हूँ कि अच्छे से रिवाइज कर सको। कस्टम ड्यूटी नॉट लायबल इन द सर्टेन केसेस, या फिर लगती भी है तो रिड्यूस्ड अमाउंट पे। कौन से केसेस, चार केसेस, सेक्शन 13 पिल्फर्ड गुड्स, सेक्शन 22 रिड्यूस ड्यूटी ऑन डैमेज गुड्स, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 रिलिंक्विशमेंट ऑफ टाइटल ऑन गुड्स, एंड सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 दैट इज द रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन डिस्ट्रॉयड गुड्स। अब एक एक करके पढ़ते हैं क्या है ये, ठीक है, मैं सीक्वेंस वाइज ही चल रही हूँ। सेक्शन 13 पहले करवा देती तो समझ ना आता, क्योंकि चारों पार्ट वो है जहां पर कस्टम ड्यूटी लगती नहीं, या लगती है तो कम रेट पे, ठीक है। पिल्फर्ड गुड्स, पिल्फर्ड गुड्स का मतलब होता है, पिल्फरेज का मतलब होता है छोटी मोटी चोरी, ठीक है, छोटी मोटी चोरी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बात आ गई, अब आप सोचोगे मैम चोरी मतलब टू स्टील समथिंग, तो स्टूडेंट्स इट मींस टू स्टील समथिंग बट इन अ वेरी स्मॉलर क्वांटिटी, ठीक है। अब मान लो इम्पोर्टेड गुड्स पिल्फर्ड हो गए, लेकिन पिल्फर्ड हुए कब है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड्स अनलोड हो गए थे, यहाँ पर सामान उतर गया था, ठीक है, लेकिन अभी तक प्रॉपर ऑफिसर जो है उसने ऑर्डर पास नहीं किया था कि आप इसको होम कंजम्पशन में ले जाओ या वेयर हाउस में ले जाओ, तो इसके बीच में कुछ हुआ है, इन दैट केस स्टूडेंट, और हमें पता है भाई ये जो पिल्फर्ड गुड्स है ये वापस नहीं आएंगे, यानी रिस्टोर नहीं होंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द टाइमिंग हियर, आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर पास एन ऑर्डर दैट दीज गुड्स आर क्लियर फॉर द होम कंजम्पशन और डिपॉजिटेड इन टू अ वेयर हाउस, ये वो टाइम पीरियड है, ठीक है, यानी अनलोड हो गया, क्लियरेंस नहीं मिली। तो इन दैट केस स्टूडेंट जो भी पिल्फर्ड गुड्स पे ड्यूटी बनती थी इम्पोर्टर को पे नहीं करनी होगी, क्लियर, क्योंकि देखो अनलोड हो गए थे ना, उसकी गलती नहीं थी वहां पे। पिल्फर्ड का क्या मतलब होता है, मैंने बोला आपको पेटी थेफ्ट, छोटी मोटी चोरी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मान लो कि मैम अगर वो गुड्स बाद में रिस्टोर हो गए फिर तो ठीक है, फिर ड्यूटी पे होगी, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये बात भाई यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल गवर्न कर रहा है कि वेन द गुड्स आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द इम्पोर्टर, जब वो उसकी कंट्रोल में थे नहीं, उसने अनलोड कर दी थी, रास्ते में कुछ नहीं हुआ, तो उसको वहां पे ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कुछ सिचुएशन है जहाँ पे सेक्शन 13 पिल्फर जो है वो नहीं काम करेगा। पहला जहाँ पे गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो गए, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है, वो सेक्शन 13 नहीं है, पिल्फर हुए हैं बट बिफोर अनलोडिंग, उस टाइम में, क्योंकि उस टाइम पर जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज ऑफ द इम्पोर्टर, अनलोड हो गए तो कस्टम डिपार्टमेंट था। यहाँ पर स्टूडेंट्स गुड्स पिल्फर्ड हुए हैं, लेकिन कब, मैंने बोला टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर अब उसको प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर भी पास कर दिया था क्लियरेंस के लिए, ठीक है। जहां पे सेक्शन 13 एप्लीकेबल होगा वहां पे ऑब्वियसली सेक्शन 23 एप्लीकेबल नहीं होगा। ये था सेक्शन 13, ओके। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 22, दैट इज द अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज और डिटेरियोरेटेड गुड्स। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, अब इन्होंने कहा कि देखो अनलोडिंग के टाइम पर, ठीक है, अनलोडिंग के टाइम पर या उससे पहले, ध्यान से मेरी बात सुनना, एज द टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, अनलोडिंग के टाइम पे यहाँ पे अनलोड हो रहा था सामान उतर रहा था या इससे पहले, ठीक है, अगर जो गुड्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं या फिर वो डिटीरियोरेट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और ये बातें अब जो है हमें असिस्टेंट कमिश्नर को सेटिस्फाई करनी है, अभी देखते हैं क्या क्या बातें।
क्या हुआ है, उसको क्या सेटिस्फाई करने की, देखो जी मेरे जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं, एक तो वो डैमेज हुए, डिटीरियोरेट हुए बिफोर और ड्यूरिंग द अनलोडिंग गुड्स इन इंडिया। सेकेंड, जो इम्पोर्टेड गुड्स है ना स्टूडेंट, अगर वो मान लीजिए कि वो कह रहा है कि मैम मान लो अगर गुड्स जो है आफ्टर अनलोडिंग हुए तो सेक्शन 22 नहीं लगेगा, लगेगा, लेकिन कब लगेगा स्टूडेंट, बट बिफोर इट्स एग्जामिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्सीडेंट नॉट ड्यू टू एनी विलफुल एक्ट, नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट ऑफ द इम्पोर्टर। लेकिन उसको पता है यहाँ पर कि देखिए सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स वो ये कह रहा है कि ठीक है चलो अनलोडिंग हो गई, यहाँ पर अनलोडिंग के बाद में गुड्स जो है वो जो है डैमेज हुए, डिटीरियोरेट हुए हैं, तो भी ये सेक्शन लग जाएगा, लेकिन अभी एग्जामिनेशन नहीं हुई थी। और ध्यान से ये जो गुड्स हैं उसको शो करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, एक तो एग्जामिनेशन नहीं हुई थी वहां पर, सेकंड कि ये कोई भी विलफुल एक्ट वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब इम्पोर्टर की गलती नहीं थी या उसके एम्प्लॉय के एजेंट की गलती नहीं थी। वेयर हाउस पे ये नहीं होगा मैम, फिर वेयर हाउस पे क्या होगा, तो वेयर हाउस के गुड्स के केस में स्टूडेंट वो जब तक बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन अगर ऐसा कुछ होता है तो भी हम उसको सेक्शन 22 लगाएंगे। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग हियर कि ये तीन केसेस में लगेगा, सेक्शन 22 विल बी एप्लीकेबल इन द थ्री केसेस। विच केसेस आर दीज? फर्स्ट केस इज बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग, बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग। सेकेंड केस स्टूडेंट्स अनलोड हो चुके हैं, अब देखो मैं ब्लू मार्कर से सेकेंड केस बता रही हूँ, ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस जो है अनलोड हो चुके हैं लेकिन अभी तक वेयर हाउस में नहीं गए हैं, और सेकेंड उनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। थर्ड केस में अगर वो वेयर हाउस में चले भी गए हैं गुड्स को लेकिन अभी तक वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं हुए, तो इन दोनों केसेस में यू हैव टू सेटिस्फाई कि यहाँ पर इम्पोर्टर या उसके एम्प्लॉय उसके एजेंट की कोई भी नेग्लिजेंस या फिर गलती नहीं थी। तो इन दैट केस यहाँ पर लगेगा सेक्शन नंबर 22, दैट इज इन द थ्री केसेस हियर। ओके, आई होप समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, प्लीज जहां भी डाउट होगा सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। ओके, तो ये तीन केसेस सेक्शन 22 के थे। अब बात आती है मैम वहां पे क्या उसको ड्यूटी देनी, नहीं 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 स्टूडेंट, यहाँ पे एक तरीके से एवरेज क्लॉज लगता है। देखिए फॉर्मूला उसका यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ड्यूटी डैमेज गुड्स पे कितनी है जो कि अबेट होगी, मतलब जो डैमेज गुड्स वाली ड्यूटी है ना वो नहीं देनी पड़ेगी। अब आप देखोगे कि देखो मेरे को यहाँ पे कितनी ड्यूटी पे करनी थी, ठीक है, कितनी ड्यूटी पे करनी थी बिफोर डैमेज, तो ये ड्यूटी कितनी वैल्यू पे करनी थी, मल्टीप्लाई कर देंगे हम अब जितनी वैल्यू जो है डैमेज गुड्स की है। ओके, मान लो स्टूडेंट ड्यूटी पे करनी थी 10,000, कितने पे करनी थी 1,00,000 पे, तो ये 10,000 1,00,000 पे थी, 1,00,000 के गुड्स पे 10,000 की ड्यूटी थी। अब वो कह रहा है इसमें से वो वैल्यू निकाल लो जो कि डैमेज गुड्स की थी, वो कह रहा है जी उसकी वैल्यू 70,000, ठीक है निकाल लेंगे, जो भी ड्यूटी आएगी वो अबेटमेंट हो जाएगी, यानी वो उसको वहां पे नहीं करनी पड़ेगी, उसकी रिडक्शन हो जाएगी। दैट इज ड्यूटी ऑन गुड्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ गुड्स बिफोर डैमेज और डिटीरियोरेशन, मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू ऑफ डैमेज से, या फिर अगर डिटीरियोरेट हुआ है खराब हुआ है तो डिटीरियोरेटेड गुड्स से। क्लियर, आई होप सबको समझ आ गया, कुछ भी आपको इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी कि ड्यूटी ऑन गुड्स बिफोर डैमेज है, ये यहाँ लिखा हुआ है देख लो एक बार, ड्यूटी ऑन गुड्स बिफोर डैमेज, ठीक है ये एक पार्ट है इसका। ओके, अब स्टूडेंट्स बात आती है कि मैम डैमेज या डिटीरियोरेटेड गुड्स की वैल्यू कैसे निकाले वो भी बता दो, तो या तो वो वैल्यू ले लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ऑनर को कि देखो या तो आप वो वैल्यू ले लो जो पीओ ने यानी प्रॉपर ऑफिसर ने असर्टेन करिए निकाली है, सेकंड स्टूडेंट्स वो वैल्यू लेंगे जो कि प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा गुड्स को सेल कर देगा, पब्लिक ऑप्शन करवा लेगा, हाँ ऑनर की कंसेंट के साथ डेफिनेटली, सो इन दैट केस जो वैल्यू आई है आप वो सेल प्रोसीड जो आई है उसको भी हम वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, तो डैमेज का मतलब होता है फिजिकल डैमेज और डिटीरियोरेट का मतलब होता है उसकी क्वालिटी खराब हो गई। ओके, अब ये मैंने कुछ एग्जांपल दिया, अभी जो मैंने आपको 70,000 वाला एग्जांपल करवाया ये करके एक और देख लेना, तो ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यही था सेक्शन नंबर 22, तो सर्टेन केसेस जहां पर ड्यूटी नहीं लगती, लगती है तो कम लगती है, उसके दो केसेस हम कर चुके हैं, सेक्शन 13 पिल्फर्ड गुड्स एंड सेक्शन नंबर 22 डैमेज और डिटीरियोरेटेड गुड्स पे, ये डेफिनेटली सेक्शन नंबर याद करना है। आई होप स्पीड इतनी सही लग रही होगी कि कोई भी अब 1.5x या 2x पे नहीं जाता, इसी स्पीड से पूरी क्लास कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन 23, गुड्स जो है वो लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो गए। अब आप हो गए अभी तो पढ़ा स्टूडेंट, हमने डैमेज पढ़ा था, डैमेज मतलब फिजिकली डैमेज गुड्स है, ठीक है वो घूम नहीं हुए थे। ओके, फिर हमने पढ़ा था कि वो जो है वो डिटीरियोरेट हो गए, डिटीरियोरेट का मतलब होता है उसकी क्वालिटी खराब हो गई। ठीक है, लेकिन लॉस्ट या डिस्ट्रॉय का मतलब वो खत्म, वो है ही नहीं हमारे पास, इन दैट केस। अब आप कहोगे पिल्फर, पिल्फरेज मतलब छोटी मोटी चोरी, ये बड़े वाले। सो यहाँ पर स्टूडेंट जब लग रहा है कि लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो गए हैं, कब, ऑब्वियसली बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, तो जो असिस्टेंट कमिश्नर है या डेप्यूटी कमिश्नर है वो उस ड्यूटी को रेमिट कर देगा, यानी उसको हटा देगा। ठीक है,
असिस्टेंट कमिश्नर या डीसी, एसी या डीसी ही ये काम करेंगे और कोई नहीं कर सकता। तो टैक्स पॉइंट देख लेते हैं। रेमिशन ऑफ ड्यूटी कब परमिसिबल होगी? ओनली एंड ओनली जब वहां पर टोटल लॉस या लॉस इज फॉरएवर है, यानी रिकवरी से बियॉन्ड नहीं होगी रिकवरी। सेकेंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात आती है कि अभी वो कंजम्पशन के लिए ना तो वेयर हाउस में गया था, और या फिर स्टूडेंट देखिए, या फिर देखो, इंपोर्टेड गुड्स इज डिस्ट्रॉयड बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर इन द वेयर हाउस। ओके, फिर बात आती है जहां पर पिल्फरेज का केस होगा, वहां पे सेक्शन 13 एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 23 एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो बेसिकली स्टूडेंट, सेक्शन 23 द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें यहाँ पर क्या आता है कि ये जो है वेयर हाउस का, ठीक है वहां पे देख लेंगे, चलो जो है बेसिकली ये बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन होगा, होम कंजम्पशन के क्लियरेंस नहीं होनी चाहिए। वेयर हाउस में गया तो भी ये लग जाएगा क्योंकि अभी भी कस्टम डिपार्टमेंट के पास ही है, बॉन्ड साइन हुए वहां पे। लेकिन हाँ, अगर जो कंजम्पशन, होम कंजम्पशन की क्लियरेंस मिल गई तो फिर यहाँ पर ये सेक्शन 23 नहीं लगेगा। ओके स्टूडेंट, अभी जो मैंने आपको डिफरेंसेस समझाए वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं, तो आप इसको एक बार रीड आउट भी कर सकते हो। सेक्शन 13 और सेक्शन 23 में एक बार ध्यान रखना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, बाकी सब हम कर चुके हैं स्टूडेंट। सेक्शन 13 जो है, ये दो डिफरेंसेस सुन लो। सेक्शन 13 उन गुड्स पर एप्लीकेबल नहीं होता जो गुड्स पिल्फर्ड हुए आफ्टर वेयर हाउसिंग, वेयर हाउस में चले गए फिर नहीं होगा। हमने बोला था बिफोर आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर क्लियरेंस फॉर आइदर फॉर होम कंजम्पशन और फॉर वेयर हाउसिंग, लेकिन सेक्शन 23 वेयर हाउस वाले गुड्स पर भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, बर्डन टू प्रूफ, सेक्शन 13 में इंपोर्टर को कुछ प्रूफ नहीं करना पड़ता, बट ये सेक्शन 23 में एसी या डीसी को सेटिस्फाई करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट आता है सेक्शन 23 सब सेक्शन नंबर 2। यस स्टूडेंट, दिस इज रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन रिलिंक्विशमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स। इसका मतलब है अगर जो गुड्स का ऑनर है, गुड्स के ऑनर ने अपना जो टाइटल है ना स्टूडेंट, वो किसी को रेलिंक्विश कर दिया। ठीक है, अगर उसने टाइटल रेलिंक्विश कर दिया मैम, कब करा है तो स्टूडेंट जब उसने अभी क्लियरेंस पास नहीं करवाई थी होम कंजम्पशन के लिए, या फिर स्टूडेंट अभी तक उसने गुड्स को वेयर हाउस में नहीं डाला था। ठीक है, तो इन दैट केस अगर वो टाइटल रेलिंक्विश कर रहा है तो उसको उस गुड्स पे कोई भी ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि अब उसका टाइटल है ही नहीं। क्लियर, चलो। रेलिंक्विशमेंट अनकंडीशनल होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना, अगर कंडीशनल है फिर ये तो बातें नहीं होंगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है, देखिए कुछ नोट्स देखते हैं। रेलिंक्विश का मतलब होता है विड्रॉ करना, अब उसके नाम पे नहीं है गुड्स। रेलिंक्विशमेंट अनकंडीशनल होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स, इट इज ओपन टू द इम्पोर्टर टू एक्सरसाइज अब ऑप्शन एट एनी टाइम। ये ऑप्शन वो कब ले सकता है? कभी भी ले, लेकिन गुड्स जो है वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर ना हुए या फिर गुड्स वेयर हाउस में जाने के लिए ऑर्डर पास ना हुआ। क्लियर स्टूडेंट, हाउएवर द ऑनर ऑफ एनी सच गुड्स वो कब नहीं कर पाएगा, शेल नॉट बी अलाउड टू रेलिंक्विश हिज टाइटल, वो विड्रॉ नहीं कर पाएगा कि नहीं नहीं मैं ऑनर नहीं हूं, अगर उन गुड्स पे किसी भी तरीके का कोई ऑफेंस है, यानी उसने कोई भी वहां पे कुछ ऐसा लग रहा है दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, जो उसने कस्टम लॉ या किसी भी लॉ में किया है, तो वो टाइटल रेलिंक्विश नहीं होगा। ठीक है, फिर सिचुएशंस जहां पर इंपोर्टर कह रहा है कि भाई मैं तो टाइटल रेलिंक्विश करूंगा, मैं गुड्स नहीं लेना चाहता, गुड्स जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं आए, गुड्स जो है वो रास्ते में इस तरीके से डैमेज हो गए, कि वॉयज का मतलब होता है जर्नी, रास्ते में, ठीक है, कि वो अब उसके लिए यूजफुल नहीं है। थर्ड, कुछ ना कुछ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था फ्रॉम द सप्लायर साइड, तो अब वो गुड्स नहीं लेना चाहता। इसी के साथ चारों केसेस यहाँ पर खत्म होते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 24, दैट इज पावर टू मेक रूल्स फॉर डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन ऑफ गुड्स। अब इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए सेक्शन 24 में वो कह रहा है कि कुछ ऐसे रूल्स बना दो फॉर डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन। अब ये डीनेचरिंग म्यूटिलेशन क्या होता है? कोई गुड्स आ रहे हैं और वो गुड्स ऐसे हैं कि वो एक से ज्यादा पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, ठीक है, अब वो सैनिटाइजर बनाने में भी यूज हो सकती है, वो होम फॉर कंजम्पशन ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन भी यूज हो सकती है, मेडिसिन प्रॉपर्टीज भी होती है उसमें। तो वो कह रहा है पर्सन इम्पोर्टर की, देखो मैंने तो इसको मेडिसिन के लिए मंगवाई है, आप और वाली हाइएस्ट ड्यूटीज क्यों लगा रहे हो? तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना देगी स्टूडेंट्स, ठीक है, और ऑनर को, ऑनर अगर रिक्वेस्ट करता है उसको परमिशन दे देंगे कि आप एक काम करो, अपने गुड्स का इस तरीके से डीनेचरिंग करवा लो, यानी उनको इस तरीके का करवा लो कि अब वो सिर्फ और सिर्फ आपके मेडिसिन बनाने के लिए काम आएगा, कोई इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाएगा, और या फिर वो सैनिटाइजर्स वगैरह बनाने में भी काम ना आए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर बात आती है डीनेचरिंग का मतलब होता है गुड्स को बाकी पर्पसेस के लिए अनफिट कर देना। ठीक है, एंड दैट केस क्या होगा, फिर जितना मेडिसिन बनाने के लिए उसको कस्टम ड्यूटी लगती बस वही लगेगी और कुछ नहीं लगेगी। ये होता है डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन ऑफ गुड्स, ये बहुत बार किया जाता है। नेक्स्ट आता है एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, की कस्टम ड्यूटी से एग्जम्पशन कैसे कैसे मिलती है, आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं। तो सेक्शन 25
सेक्शन 24 तक वी हैव कवर्ड, अब हम करते हैं सेक्शन 25, दैट इज पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम ड्यूटी। वीडियो अच्छी लग रही है, एक ही बार कमेंट करके रुक जाओगे क्या? जल्दी से एक बार और कमेंट कर दो, 38 मिनट्स हो चुके हैं, आपका ये जो लेक्चर है, आपकी जो ये चैप्टर वन है, ये कंप्लीट होने वाला है। ओके, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा करना जरूरी है, तो या तो वो एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा नोटिफिकेशन जो है तो आपके व्हाट्सएप पे नहीं भेजती है, ऑफिशियल गैजेट में निकालती है, ध्यान रखना, ठीक है? या तो वो गुड्स को जनरली, या फिर जनरली मतलब का होता है स्टूडेंट, या तो वो क्या कर सकती है कि वो कहे कि हाँ एब्सोल्यूट हम इनको एग्जाम्प्ट कर रहे हैं, कोई कंडीशन नहीं, या फिर कुछ कंडीशन लगा सकती है कि भाई इन कंडीशन के बेसिस पे ये गुड्स जो है वो एग्जाम्प्ट होंगे। क्लियर स्टूडेंट? पूरा कंप्लीट भी कर सकती है और उसका कुछ पार्ट भी एग्जाम्प्ट कर सकती है, या फिर वो स्पेशल ऑर्डर निकाल सकती है। स्पेशल ऑर्डर निकलता है हमेशा एक्सेप्शनल नेचर्स के लिए। क्लियर? अब ये कुछ नोट्स पढ़ते हैं। An exemption from duty in respect of any goods may be granted by providing for the levy of the duty at a rate expressed in a form or method different from the form or method in which duty is levyable. कई बार ये भी हो सकता है स्टूडेंट कि जो फॉर्म या मेथड दिया हुआ है अब उससे अलग लगाना है, ठीक है? तो वहां पर भी वो ऐसे एक नोटिफिकेशन पास कर सकते हैं, एग्जम्पशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना मैम, एग्जम्पशन मतलब एटलीस्ट कुछ पार्ट तो कम हुआ हो, तो ये ना हो कि पहले जो ड्यूटी थी उसका रेट 12% था, नोटिफिकेशन निकाल के 15 कर दिया, ये एग्जम्पशन नहीं है, ये इंक्रीमेंट है, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, मैम फॉर्म और मेथड का मतलब क्या हुआ कि पहले उनके वैल्यूएशन पे, वेट पे, उनके नंबर लेंथ के बेसिस कुछ और, वो कह रहे थे कि इस तरीके से ड्यूटीज निकालो, पहले वेट के बेसिस पे कह रहे थे, अब नंबर्स के बेसिस पे कह रहे हैं, तो डिफरेंस है। लेकिन रेट ऑफ ड्यूटी जो है वो पहले से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये भी एग्जम्पशन में कवर होगा। जहां पर लग रहा है ना कि ड्यूटी का जो अमाउंट है वो 100 रुपीज भी नहीं है, 100 रुपीज भी नहीं है, तो इसका मतलब वहां पे ड्यूटी कलेक्शन करोगे। यस स्टूडेंट, 100 रुपए से कम है अगर 100 रुपीज, देखो अच्छा मैम 100 रुपीज से कम है तो ड्यूटी कलेक्शन नहीं होगी। यस, अगर 100 रुपीज है तो भी ड्यूटी कलेक्शन नहीं होगी, इसका मतलब 100 या लेस देन 100, जब 100 से ज्यादा का अमाउंट नहीं है तो ड्यूटी कलेक्शन नहीं की जाती। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ओके, ये 3 पॉइंट गलती से दिया हुआ है, 2 ही पॉइंट है इसमें। अब स्टूडेंट्स मैं आपको करवाने वाली हूँ दो पार्ट, दैट इज सेक्शन 25A एंड सेक्शन 25B। पहले मैं आपको इसका इंपॉर्टेंट पार्ट बता देती हूँ। सेक्शन 25A एंड बी, दे आर ओनली द पार्ट ऑफ द सिलेबस 2016, वो सिलेबस 2022 का पार्ट नहीं है। तो लेकिन न्यू सिलेबस वाले बच्चों एक बात बताओ, एक्स्ट्रा नॉलेज लेने में हर्जी क्या है? ठीक है, वैसे ही बहुत ज्यादा फास्टेस्ट रिविजन मेथड भी चल रहा है तो फटाफट से सुन लो। हाँ लेकिन 2016 वाले स्टूडेंट्स, मतलब सिलेबस 2016 वाले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पढ़ लो। सेक्शन 25A बताता है इनवर्ड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और सेक्शन 25B बताता है आउटवर्ड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। पहले इनवर्ड से स्टार्ट कर रही हूँ। देखो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है ना कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये नेसेसरी है, एग्जम्पशन से रिलेटेड है ये, तो वो क्या करते हैं, एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। क्या नोटिफिकेशन? इनवर्ड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, यानी स्टूडेंट दे आर मेकिंग अ नोटिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ री इम्पोर्टेशन। मैंने बोला था री इम्पोर्ट वाला केस। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, अब कोई गुड्स इंडिया में आए हैं और वो इंडिया में क्यों आए हैं, कि भाई उनका ना रिपेयर करवाना है, उनको कुछ रीप्रोसेसिंग होनी है, या उनकी कुछ थोड़ा बहुत उनको कुछ ठीक करवाना है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग है, यानी छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग है। तो इन दैट केस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है, तो वो एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि हम इनको एग्जम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। क्या अब ऐसे तो वरना क्या किया, चिंतामणि ने जेम्स को कॉल करी, देखिए अभी बात हो रही है कॉल पर। जेम्स एक काम करना, तुम सामान जो है एक्सपोर्ट मत दिखाना, ये दिखाना मैंने तुम्हें पहले भेजा था, बस रख लूंगा। नहीं नहीं, आपके पास सामान ठीक होने आया तो वापस करना पड़ेगा, कितने टाइम में वो देखो। तो वो जो गुड्स हैं दे मस्ट बी री एक्सपोर्ट, वो री एक्सपोर्ट होने चाहिए रिपेयरिंग फर्दर प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग के बाद में, जो भी केस है। कितने टाइम में? 10-12 साल के बाद? नहीं नहीं, सो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जिस दिन उनका ऑर्डर पास हुआ था कि चलो भाई इन इम्पोर्टेड गुड्स को हम क्लियरेंस कर रहे हैं, यानी वो हमारे इंडिया में आ गए थे, उसके 1 साल के अंदर अंदर, 1 ईयर के अंदर अंदर आपको गुड्स जो है वो रीएक्सपोर्ट करने होंगे। इम्पोर्टेड गुड्स जो है, अब पूरा का पूरा नक्शा चेंज मत कर देना। पहले एक मतलब क्या था, एक अनस्टिच क्लोथ आया था, कॉटन आई थी, आपने उससे एक ड्रेस बना दी, दैट्स नॉट फेयर ना। तो वो जो है वो आइडेंटिफिएबल होने चाहिए, वो वैसे ही होने चाहिए, ठीक है? और भी कुछ कंडीशन अगर नोटिफिकेशन में लिखी होंगी तो वो भी पूरी कर देना। नेक्स्ट है सेक्शन 25B, आउटवर्ड प्रोसेसिंग। आउटवर्ड प्रोसेसिंग में भी स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने उन गुड्स को एग्जम्प्ट कर दिया विच आर री इम्पोर्टेड आफ्टर बीइंग एक्सपोर्टेड फॉर द पर्पस ऑफ। पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, जरा वो ठीक कर लो। विच आर री एक्सपोर्टेड आउटवर्ड है कि हमने उनको वापस से बाहर भेजा है, ठीक है, हमने भी इम्पोर्टेड है, प्लीज इसको ठीक कर लीजिए।
अब हुआ क्या स्टूडेंट्स, पहले वो जो गुड्स है ना हमने उनको इंपोर्ट करवाया था, मंगवाया था, अब हम वापस भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? हमें भी तो उनपे कुछ रिपेयरिंग करवानी होगी, वो कहाँ से करवाएं? ठीक है स्टूडेंट, अब एक बात आती है मैम, जो आपने सेक्शन नंबर 20 में पढ़ाया था ये वही वाला है क्या? वो जो आपने एग्जम्पशंस पढ़ाई थी, नहीं, सेक्शन 20 सेक्शन 20 वाला नॉट विद एनिस्टिंग कंटेन, वहां वाला कुछ नहीं है, ये नए सेक्शन आए थे, सेक्शन 25A एंड 25B। ठीक है, तो ये दोनों अलग सेक्शन है, उससे मिक्स मत करना। ओके अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात आती है उसके केस में भी क्या बोला कि वो जो गुड्स हैं वो इंडिया में री इम्पोर्ट हो जाने चाहिए रिपेयरिंग वगैरह के बाद में। कितने में? इनको भी का एक साल के अंदर अंदर ले आना, जब आपको एक्सपोर्ट का क्लियरेंस ऑर्डर मिला था। ठीक है, कि हाँ आप एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्टेड गुड्स आइडेंटिफिएबल होने चाहिए इन द री इम्पोर्टेड गुड्स। क्लियर? फिर स्टूडेंट बात आती है और भी कोई कंडीशन है तो वो भी यहाँ पर जो है वो नोटिफिकेशन में कंडीशन दिए तो सेटिस्फाई कर देना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास बात आती है फाइनेंस एक्ट 2021 ने क्या किया, एक नया सेक्शन लगाया था, सेक्शन 25 सबसेक्शन नंबर 4A। ये क्या है? क्लासिफिकेशन करी है इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स की। एग्जम्पशन शेल अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड और वैलिड, ये और वैलिड है और एंड वैलिड, टू डिफरेंट टर्म्स आर देयर, और असाइंडेड बी वैलिड अप टू 31st डे ऑफ मार्च फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये क्या है? उन्होंने कहा कि देखो अब हमने आपको एक एग्जम्पशन दे दी कि भाई हम आपको ना इन गुड्स पे एग्जम्पशन दे रहे हैं, वो कब तक वैलिड रहेगी? तो स्टूडेंट जो भी अब इन्होंने कहा जिस दिन ग्रांट दी गई है, जिस दिन ग्रांट दी यानी कि एग्जम्पशन दी थी, ठीक है, तो वो उसके 31st मार्च तक फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद जब वो 31st मार्च का टाइम आ रहा होगा वो तब तक है वैलिड रहेगी। क्लियर? प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच एग्जम्पशन इन फोर्स एज ऑन द डेट ऑन द विच द फाइनेंस बिल 2021 रिसीव्स द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब उन्होंने कहा ये जो है ना ये फाइनेंस बिल 2021 में प्रपोज हुआ था, फिर फाइनेंस एक्ट बना, पढ़ा हुआ है हमने सब, यस, इन दैट केस स्टूडेंट फिर ये कब हम वो 2 साल कब से माने? तो इन्होंने कहा देखो जो गुड्स इससे पहले जो एग्जाम्पशंस के लिए एप्लीकेबल थे, हमने ये नया जो 2 साल वाली कंडीशन है ये फाइनेंस एक्ट में लाए। फाइनेंस एक्ट मतलब जब फाइनेंस बिल पर साइन करे हमारे प्रेसिडेंट ने, ठीक है, घुमा के लिखा है, मतलब इनका मतलब है जिस दिन से फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल हुआ, तो उसके केस में स्टूडेंट वो जो 2 साल है वो इन्होंने कहा था आप रिकॉन करना उसको, कब से आप रिकॉग्निशन दोगे? 1st ऑफ फरवरी से, तब से 2 साल के लिए थे। क्लियर? चलो नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन कैसे होगी इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड गुड्स की। स्टूडेंट्स तो देखो इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स के लिए ऐसे गुड्स भी होंगे जिसपे की निल ड्यूटी लगती होगी, तो इस वजह से उनपे जो ड्यूटी लगती ही नहीं, तो इट इज वेरी नेसेसरी क्या स्पेसिफिक हेडिंग सब हेडिंग में कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में आप उसको क्लासिफाई जरूर कर दो। ठीक है मैम, क्यों क्यों क्लासिफिकेशन चाहिए? जिससे कि हम रेट ऑफ ड्यूटी निकाल सके, अगर कुछ एग्जाम्पशन दिया गवर्नमेंट ने वो पता चल सके किसके लिए है पर्टिकुलर एग्जाम्पशन। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स अगर कोई अदर ड्यूटीज लग रही है जैसे हमने पढ़ा था एंटी डंपिंग, सेफ गार्ड, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, वो पता चल सके कौन से गुड्स पर है, या फिर कोई और रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल है तो कोई पता चल सके। क्लासिफिकेशन मतलब एक कौन से गुड्स का क्या कोड भरा है वो पता होगा, वरना तो एक गुड्स के काफी सारे नाम हम ले सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट शेड्यूल में स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या कवर आने वाला है स्टूडेंट्स? इंपोर्ट ड्यूटी वाला और सेकंड में एक्सपोर्ट ड्यूटी वाला, बार बार पढ़ा रहे हैं मतलब इंपॉर्टेंट तो हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आता है ड्यूटी लायबिलिटी इन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब ये वाला जो पार्ट है ना ड्यूटी लायबिलिटी इन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ये इतना ज्यादा डिटेलिंग में नहीं है सिलेबस 2022 में, ये सिलेबस 2016 का इन ब्रीफ मतलब जो इन एक्सप्लेनेटरी मोड पार्ट है। सिलेबस 2022 में कुछ इसमें इतना नहीं दिया हुआ, आपने बुक्स में देखा हुआ भी है, बट आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू क्योंकि पार्ट तो है तो फॉर अ सेफर साइड जस्ट डू इट नाउ। ओके, तो ड्यूटी लायबिलिटी इन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, 3 सर्कमस्टांसेस है। एक है गुड्स आर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया आफ्टर एक्सपोर्टेशन देयर फ्रॉम, यानी जो हमने पहले एक्सपोर्ट किए थे हम उनको वापस मंगवा रहे हैं। इम्पोर्टेड गुड्स हैव बीन ओरिजिनली एक्सपोर्टेड टू द ओवरसीज सप्लायर फॉर रिपेयर, हमने इम्पोर्टेड गुड्स को वापस भेज दिया रिपेयरिंग के लिए, एक्सपोर्टेड गुड्स जो है वापस आ रहे हैं रिपेयर और री एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, अब आप कह रही हो मैम अभी तो पढ़ा, स्टूडेंट्स अभी जो पढ़ा वो तो है ही, साथ की साथ अगर सेक्शन 25A सेक्शन 25B आ रहा है तो वो है इनवर्ड प्रोसेसिंग आउटवर्ड प्रोसेसिंग, ये पार्ट आपके पास आएगा ड्यूटी लायबिलिटी इन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। ठीक है, तो लेट्स डू इट वन बाय वन। पहला आता है गुड्स जो है इम्पोर्ट हुए इंडिया में, पहले एक्सपोर्ट हो गए थे, इन दैट केस कितनी इम्पोर्ट ड्यूटी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो? अब मेरी बात सुनना मैम, ये वही हो गया रिपेयर वाला, नहीं नहीं यहाँ पे कहीं लिखा रिपेयर हुआ या री एक्सपोर्ट हुआ, ये फर्स्ट केस है इसका। वो कह रहे किसी भी वजह से पहले गुड्स एक्सपोर्ट हुए थे वापस आ रहे, चाहे वो भेज ही रहा हो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके केस में कितनी इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी? तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना तो काफी केसेस में हमें कुछ इंसेंटिव मिलता है,
अब जितना इंसेंटिव मिला था एक्सपोर्ट करने पे, बस उतनी ही इंपोर्ट ड्यूटी अब मिलेगी, उतनी ही इंपोर्ट ड्यूटी इसको लगेगी। इट शेल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ इंसेंटिव विच इज अवेल्ड एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। क्लियर? नेक्स्ट आता है केस नंबर टू इज हियर, इम्पोर्टेड गुड्स हैव बीन ओरिजिनली एक्सपोर्टेड टू द ओवरसीज सप्लायर फॉर रिपेयर। इम्पोर्टेड गुड्स जो है दे हैव बीन ओरिजिनली एक्सपोर्टेड टू द ओवरसीज सप्लायर, हमने उनको एक्सपोर्ट करा है स्टूडेंट्स किस लिए, रिपेयरिंग के। ठीक है, पहली बात तो कोई ड्यूटी लगेगी ही नहीं री इम्पोर्ट के केस में, जब हमने उनको री इम्पोर्टेशन करवाया। लेकिन कब? अगर री इम्पोर्टेशन हो गया विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, इसको एक्सटेंड करके आप 5 साल करा सकते हो। फॉर्मर ऑनरशिप चेंज नहीं होनी चाहिए और ये कॉन्सेप्ट उन पर एप्लीकेबल नहीं होता जहां स्टूडेंट रिपेयर या किस लिए हो रहा है। रिपेयर का मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो गया कि कुछ बना ही दिया, या फिर स्टूडेंट ये एक्सपोर्ट कहाँ से हो रही है, ईपीजेड या ईओयू से, यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, या फिर हमारे इकोनॉमिक ओरिएंटेड यूनिट से। ठीक है, क्योंकि उनपे टोटल अलग लगता है, उनपे ड्यूटीज ही नहीं लगती। थर्ड केस है जो हमारे एक्सपोर्टेड गुड्स थे वो वापस आ रहे हैं रिपेयरिंग या री एक्सपोर्ट के लिए, उन पर भी हम ड्यूटी नहीं लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, आपको उनको री इम्पोर्ट करना है विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्ट। नेपाल का केस है तो इट इज 10 years। री इम्पोर्ट जो होगा वो अगर रीप्रोसेसिंग R3 के लिए, अब आप पता पक्का सोचोगे मैम अभी आपने ऊपर 1 साल पढ़ाया, अब आप 3 साल पढ़ा रहे हो, किसको माने? तो देखो मेरी बात सुनो स्टूडेंट, अगर R3 के लिए है यानी जो ऊपर पढ़ा, रीप्रोसेसिंग रिफाइनिंग रीमेकिंग, ठीक है R3, तो टाइम लिमिट 1 year है। ओके चलो, अब बात आ गई, यानी कि जो री इम्पोर्ट हो रहा है, सॉरी वापस जो आ रहा है वो 1 साल में आ रहा है। पहले तो एक आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं, ये वाला जो टॉपिक ऊपर पड़ा है सेक्शन 25A सेक्शन 25B वाला, ये आइए स्टूडेंट्स एक बार, दिस वन ठीक है। यहां पर जब वो ये टॉपिक देंगे तो आपको 25A और 25B लिख कर देंगे, क्योंकि ये बेसिकली जो है नोटिफिकेशन के थ्रू आया, ये आया भी कब है 2018 में। ठीक है, वैसे स्टूडेंट्स ये वाला जो टॉपिक है, अब जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ड्यूटी लायबिलिटी इन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस ना, ये वाला टॉपिक प्रैक्टिकली अब एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 25A या 25B है, इसीलिए सिलेबस 2022 का पार्ट भी नहीं है। बट ये फॉर एग्जामिनेशन दे कैन इवन गिव दिस पॉइंट इन द एग्जामिनेशन, समझे मेरी बात? प्रैक्टिकली 25A 25B लगता है क्योंकि वो रिसेंटली 2018 में आया, हमें 2023 के एग्जाम्स देने हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है अगर आ गया तो लिख कर आओगे क्या? प्रैक्टिकल नहीं लगता, करोगे ना? तो अगर ये टॉपिक आया तो ड्यूटी लायबिलिटी इन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस आएगा, तो आपको ये पॉइंट्स भी लिखने होंगे। डिफरेंस समझ आया दोनों में? ठीक है, इसीलिए ये 2022 का पार्ट नहीं है सिलेबस का। चलो, इन्होंने एक कंडीशन पहले क्या लगा रखी थी, इन्होंने कंडीशन लगाई है आपको वापस कितने टाइम में भेजना है 25A 25B ने। ठीक है, कि मतलब सामान मंगवा के कब भेजना है, ये कह रहे हैं जब भेजा था वापस आया रहा सामान, हाँ आना भी सिर्फ 1 साल में चाहिए R3 के लिए, और कोई और पर्पस है तो 3 साल के लिए में भी आ सकता है, या नेपाल का केस है तो 10 साल में भी आ सकता है। बात आती है वापस कितने टाइम में भेजना था, तो पहले था स्टूडेंट्स वापस जब इम्पोर्ट हुआ उसके 6 महीने में भेजना था, एक्सटेंड करवा सकते थे 12 months में। ठीक है, इम्पोर्टर क्या करता था एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेशन, वो एक बॉन्ड एक्सिक्यूट करवा लेता था। इसी के साथ स्टूडेंट्स ये और कुछ कंडीशन होती थी जहां पर कहते थे गुड्स अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हैं, मैन्युफैक्चर भी हमारे इंडिया में थे और री इम्पोर्टेशन अब उनका हो रहा है, वापस आ रहे हैं रिपेयरिंग रिकंडीशनिंग रीप्रोसेसिंग रिफाइनिंग रीमेकिंग R5 के लिए, तो ये कुछ पर्टिकुलर टाइम लिमिट्स होते थे। पहला था स्टूडेंट्स अगर तो वो रिपेयर या रिकंडीशनिंग के लिए आ रहे हैं, देखो R5 में से दो को पहले कवर किया, रिपेयर या रिकंडीशनिंग, ठीक है, सिर्फ दो बात के लिए, तो 7 साल का टाइम था, यानी कितने टाइम में उनको वापस आना है, री इम्पोर्ट होना है हमारे पास। बात समझना, इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हमने बाहर भेज दिया, वो कह रहे बाहर से हमारे पास इंडिया में भी भेजना है ना, वारंटी टाइम तो होता है हर किसी के केस में, यही मान के उन्होंने कहा 7 साल में भेज देना, इसके बाद हुआ तो हम कहेंगे सेपरेट केस है, नेपाल के केस में इट इज 10 years। अब आप समझ गए होंगे तभी, अब ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल जो है वो 25A और 25B है कि भाई कभी मर्जी भेजो कोई बात नहीं, बस वापस टाइम से भेज देना 1 साल के अंदर, समझे? ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर बात आती है ये जो गुड्स हैं अगर आप री एक्सपोर्ट करवाओ, अच्छा बात आती है मैम वापस कितने टाइम में भेजना है, हमने ठीक कर दिया उसको तो 6 महीने के अंदर अंदर, एक्सटेंडेबल था ये 1 साल के लिए, क्लियर? लेकिन आपको करना क्या पड़ता था स्टूडेंट, इसके लिए ACDC से गुड्स को आइडेंटिफाई करवाना पड़ता था कि सेम गुड्स वरा है। ओके, नेक्स्ट आता है R2 हो गए, रिपेयर और रीप्रोसेसिंग, रिपेयर और रिकंडीशनिंग हो गए, रीप्रोसेसिंग रिफाइनिंग रीमेकिंग के लिए, तो स्टूडेंट इसके लिए टाइम लिमिट था 1 साल, क्लियर? आई होप ये सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर होता है एंड।
आई होप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी. एंड इफ यू वांट दीज नोट स्टूडेंट, जो अभी जिससे मैंने आपको करवाया है, तो ये इंट्रोडक्टरी प्राइस पर इनका ई वर्जन अवेलेबल है, यानी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है. अभी हार्ड बुक अवेलेबल इसकी नहीं है, ठीक है. हार्ड बुक इसकी अवेलेबल होगी इन द मंथ ऑफ मिड ऑफ जुलाई, ठीक है. सो जो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को दिसंबर के लिए देख रहे हैं ऑनवर्ड एग्जामिनेशन, दे कैन ऑप्ट फॉर द हार्ड बुक्स. बट जो स्टूडेंट जुलाई के लिए देख रहे हैं तो आप ई वर्जन ले सकते हो. अब बात आती है इसके चार्जेस की. तो कस्टम की कंप्लीट बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी, ई वर्जन अवेलेबल होगा. आई एम रिपीटिंग, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है ओनली एंड ओनली इन रुपीज. एनी गेसेस? ओके, लेट मी टेल यू. सो ओनली एंड ओनली रुपीज 199. यस, 199 में आपको पूरे कस्टम के मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे. चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे. नेक्स्ट मिलेंगे हम हमारे चैप्टर के साथ, विच इज द चैप्टर नंबर 2. ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय.